वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाइट डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फोर टक्स ब्लाउज की पेपर में कटिंग। फोर टक्स के साथ में हम लोग यहां पर वन टक्स, टू टक्स और थ्री टक्स को भी समझेंगे, लेकिन कटिंग हम लोग फोर टक्स की करेंगे। अगर आपको फोर टक्स की कटिंग और स्टिचिंग आ गई तो आप वन टक्स की और टू टक्स की और थ्री टक्स की बहुत ही सिंपल से कटिंग कर लोगे और बहुत ही आराम से सिलाई भी कर लोगे। अगर आपको फोर टक्स ब्लाउज की सिलाई नहीं आएगी, कटिंग नहीं आएगी, तो आप वन टक्स की भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो होता है मेन सबसे हमारा फोर टक्स है और फोर टक्स के बाद हमारे टू टक्स, थ्री टक्स ये आराम से हमारे इजिली बन जाते हैं। मैं आपको ऐसे समझा दूंगी कि आप आराम से बना सकते हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बेसिक सिलाई कोर्स का तीसरा दिन है आज। तो आज के दिन मैंने कल ही बता दिया था कि हम लोग पेपर में सिंपल ब्लाउज की, फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग सीखने वाले हैं। तो चलो हम लोग सीखते हैं, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर पेपर ले लिया है। ये हमारा पेपर जो होता है दो पेज का पेपर होता है, हमने पूरा पेपर लिया हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड करके ले लेंगे। तो चलो इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड करके लिया हुआ है, लेकिन एक पेज हमने छोटा करा है, एक पेज हमने बड़ा किया है। तो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये हमारा पीछे वाला पल्ला है, तो पीछे वाले पल्ले को हमें छोटा लेना होता है और आगे वाले पल्ले को हमें बड़ा लेना होता है। लेकिन कितने इंच बड़ा लेना होता है वो भी अभी बताएंगे। लेकिन अभी ये समझिए कि हमने पीछे वाले पल्ले से आगे वाले पल्ले को बड़ा क्यों लिया है, क्योंकि आगे वाले पल्ले में हमारी प्लेटें डलती हैं इसलिए, और पीछे वाले आले पल्ले में हमारे प्लेटें नहीं डलती हैं, सिर्फ साइड साइड से डलती हैं। तो हमें मार्जिन ज़रूरत होती है लेकिन लंबाई में ज़रूरत नहीं होती है। लंबाई में हमें कितना लेना होता है, अब चलो वो समझते हैं। तो पीछे वाली लंबाई को हम कितना लेंगे, जितना हमें ब्लाउज तैयार रखना है, ठीक है। 14 इंच 11 इंच 12 इंच 13 इंच जितना भी ब्लाउज तैयार रखना है, पीछे वाले पल्ले को पूरा हम 1.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब कि 1.5 इंच हम ज़्यादा लेंगे। जैसे हमें 13 इंच का ब्लाउज तैयार रखना है तो हम 1.5 इंच उसमें ज़्यादा लेंगे। क्यों, क्योंकि 1 इंच हमारा नीचे से फोल्ड होने में जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर, जब शोल्डर दोनों के जुड़ेंगे आगे के पीछे के, तो वहाँ पर लगेगा। तो हमें कितना लेना है, पूरा 1.5 इंच। अब देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं पीछे का पल्ला हमारा कितना है, 12.5 इंच है। तो ये हमारा ब्लाउज कितना तैयार होगा, पूरा 11 इंच का तैयार होगा, ठीक है। तो जितना हमें तैयार चाहिए उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो हमारा ये पेपर है इसलिए जितना आया हमने उतना फोल्ड कर लिया है। लेकिन जब हम कपड़े में कटिंग करते हैं तो इसी तरह से करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। अब चलो यहाँ पर हम आगे वाला पल्ला कितना लेंगे, यानी कि फ्रंट पार्ट, उससे हम पूरा 1 इंच प्लस करके लेंगे। जब हम केवल पीछे वाले पल्ले से हम 1 इंच बड़ा लेंगे अपने फ्रंट पार्ट को, यानी कि आगे वाले पल्ले को, तो हमने 1 इंच केवल जब तब लेंगे जब हम फोर टक्स केवल बना रहे हैं, और जब बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएंगे तब पूरा 1.5 इंच अपने पीछे वाले पल्ले से बड़ा लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ 1 इंच प्लस करके लिया हुआ है। अब चलो हमने यहाँ पर अपनी लंबाई समझ ली। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये हमारा कितना फोल्ड हो जाएगा, 4 फोल्ड हो जाएगा। और जो हमारा पीछे वाला पल्ला है वो कहाँ चला गया है, अंदर चला गया है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 4 लेयर में कपड़ा को रख लिया है, ठीक है। मतलब कि हमने इसको 4 लेयर में रख लिया, और जो आगे वाला पल्ला है वो हमारा ऊपर आ गया है, और जो पीछे वाला पल्ला है वो हमारा पीछे चला गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम गले का निशान डालेंगे। तो गले के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान डाल रहे हैं, देख सकते हो। कपड़े की बंद भाग से 2.5 इंच पर डालना है। अगर पतली लेडीज है बहुत ज़्यादा अगर, तो 2 इंच पर डालना है। अगर थोड़ी ज़्यादा हेल्दी लेडीज है तो आपको 3 इंच पर डालना है। बस इन 3 निशानों से ज़्यादा नहीं डालना है जब हम सिंपल सा ब्लाउज बना रहे हैं। अभी सिर्फ सिंपल बता रही हूँ, बाकी और आपको जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप देखो यहाँ पर गला कितना लेना है, जितना हमको गला आगे का तैयार चाहिए। अभी हम पीछे के गले को नहीं समझेंगे, सिर्फ आगे का गला समझेंगे। आगे का गला जितना हमें तैयार रखना है उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लेना है। जैसे कि हमें 6 इंच रखना है तो 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 6.5 इंच आएगा, और 6.5 इंच तक एक लाइन खींच देंगे इस तरह से, और फिर इधर साइड के एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे, ऐसे गोलाई कर लेंगे। ये हो गया हमारा गला। अब यहाँ पर हम शोल्डर का नाप डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से हम 5 इंच लेंगे,
ये हमने 5 इंच पर शोल्डर डाल दिया। तो अगर कोई चौड़ाई में ज्यादा पहनता है तो आप शोल्डर 5.5 इंच भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शोल्डर ले लिया। अब हम यहाँ पर आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल हम कितना लेते हैं, देखो यहाँ पर हम मेरे पास एक चार्ट है, लेकिन चार्ट आपको थ्योरी जब मैं आपको वो बेल्ट वाला ब्लाउज बताऊंगी ना, तो वहाँ थ्योरी में आपको उस चार्ट को दे दूंगी, लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि अगर आप 30 से कम का साइज का ब्लाउज बना रहे हो तब आपको यहाँ पर 5.5 इंच तक रखना है, और 30 से 40 साइज का ब्लाउज बना रहे हो तो 6 साढ़े 6 इंच लेना है, और 40 से ऊपर का बना रहे हो तो आपको 6.5 इंच से 7 इंच तक लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट हो गए। तो अभी ये मैं नॉर्मल ब्लाउज बना रही हूँ, इसलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 6 इंच, ठीक। ये हमने 6 इंच पर निशान डाल दिया। इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे और फिर इधर साइड को हम फिटिंग डालेंगे। तो जो भी हमारी फिटिंग साइज़ हो, यहाँ पर जो हमने लिया ये हमारा 6.5 इंच है, और अब हम ये फिटिंग कैसे डालेंगे, जो भी हमारा सीना है, मतलब जितना जिसका ब्लाउज बना रहे हैं उनका जो भी टोटल सीना है उसका हमें क्या करना है, उसको हमें 4 से भाग देना है। 4 से जो भाग देंगे जो भी आएगा उसे हम ले लेंगे। मान लो यहाँ पर 32 साइज है, तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 8 आ जाएगा। तो बस यहाँ कपड़े के बंद भाग से इधर साइड जितना इंच टेप जा रहा है उतना हम आगे बढ़ा देंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पर आगे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। अब ये बहुत से लोग पूछते हैं कि एक एक चीज़ बताते भी चलिएगा कि क्या होता है मार्जिन क्या है। अब चलो अच्छा ये भी बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये शायद समझने में दिक्कत हो रही होगी। मार्जिन ये है, जैसे कि अभी हम यहाँ पर प्लेटें डालेंगे और यहाँ पर हुक पट्टी आई पट्टी लगाएंगे, तो अगर हम सीधे फिटिंग पे ही कटिंग कर लेंगे तो फिर हम बाकी सिलाई कैसे लगाएंगे, जो हमारी हुक पट्टी आई पट्टी में फैब्रिक जाएगा तो वो कहाँ से आएगा, तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन लेते हैं, तो इतने में ही हमारा यहाँ पर जो प्लेट डलती है इधर साइड से, जो हमारा कपड़ा जाता है सिलाई में, बाकी हमारा इधर जो हमारा मार्जिन रहता है तो थोड़ा सा छूटा हुआ भी रहता है, सिलाई के बाद जो कपड़ा बचता है तो उसके लिए भी हो जाता है। 2 इंच आपको परफेक्ट है मार्जिन, ठीक है। ये समझ गया कि मार्जिन क्या होता है। अब यहाँ पर हम सेंटर से 1.5 इंच की एक लाइन खींचेंगे, 1/2 इंच अंदर के साइड पॉइंट देंगे और बस इन दोनों में गोलाई कर लेंगे। ये जो हमने 1.5 इंच पर पॉइंट देके गोलाई किया, ये हमारा पीछे वाले पल्ले में कट होगा, और 1/2 इंच अंदर की साइड गोलाई करेंगे तो ये हमारा फ्रंट पार्ट यानी कि आगे वाले पल्ले में कट होगा, ठीक है। अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, नीचे की साइड अपने कमर का नाप डालेंगे, तो कमर को भी ऐसे ही करना है, जो भी हमारा कमर साइज है उसे 4 से डिवाइड करना है और निशान लगा देना है। तो बस यहाँ पर हम कमर का भी निशान डाल देते हैं और यहाँ पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। अब हम जो सीने का निशान फिटिंग का निशान से मिला देंगे और मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से मिला देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सिंपल सा ब्लाउज बना रहे हैं। जब हम बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएंगे तो अब इसके बाद हम बेल्ट का निशान लगाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं, सिर्फ 4 टक्स ब्लाउज सीख रहे हैं, सादा ब्लाउज। तो इसके लिए अब हम बस्ट पॉइंट का नाप डालेंगे। जैसे कि मैंने कल आपको कल की वीडियो में बस्ट पॉइंट का नाप का मैंने एक चार्ट दिया था, उसी चार्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर बस्ट पॉइंट का नाप डालना है। तो जो भी हमारा चार्ट था, जो भी साइज हो आपका, उसी साइज के हिसाब से यहाँ पर आपको बस्ट पॉइंट का नाप डाल देना है, और इसके इधर से दूरी कितनी रहेगी, 3.5 इंच रहेगी। इधर से हमारी इसकी दूरी 3.5 इंच रहेगी, और ऊपर से इसकी लंबाई जो आपका साइज होगा, मैंने आपको कल की वीडियो में एक चार्ट बताया था, वो वाले चार्ट के माध्यम से यहाँ पर निशान डालना है। और फिर इसके बाद इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच छोड़ते हुए 1 टक्स हम इधर डालेंगे और 1 टक्स हम नीचे की साइड को डालेंगे, 1.5 इंच छोड़ते हुए। इस पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ रहे हैं, ठीक है। और एक हम फिटिंग साइड डालेंगे, ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए डालेंगे, और 1 टक्स हम इधर साइड डालेंगे आर्म होल साइड, तो ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए ही डालेंगे। तो देख सकते हो ये हमारे 4 टक्स हो गए, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, अपना शोल्डर भी डाउन करते हैं। अगर हमारा शोल्डर जैसे उतरता है तो आपको गले की शर्ट से ऐसे डाउन करना है, हल्का सा तिरछा, बहुत ज़्यादा नहीं। और जब हम अपना कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं तब इधर से, तो बाकी जब हम कॉलर वाला ब्लाउज बताएंगे तो वहाँ पर खुद ही बताएंगे, अभी सिर्फ सिंपल ब्लाउज समझिए, वरना आप लोग फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो चलो हमने यहाँ पर निशान डाल दिया है 4 टक्स के ब्लाउज के।
अभी हमें यहाँ पर 1 टक्स सीखना है, 2 टक्स सीखना है, 3 टक्स भी सीखना है। तो हमारा पूरा ब्लाउज का पैटर्न सेम रहेगा, चाहे वो 1 टक्स हो, चाहे 4 टक्स हो, चाहे 2 टक्स हो, चाहे 3 टक्स हो, ठीक है। हमारा जो लंबाई निकालने का तरीका है, जो गला सारा कुछ ऐसे ही डालना है आपको। बस यहाँ पर 1 टक्स में क्या करना है, ये टक्स नहीं रहेगा, ये टक्स नहीं रहेगा, ये टक्स नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा नीचे वाला टक्स रहेगा। बस्ट पॉइंट का आपको वैसे ही नाप लगाना है, बस नीचे वाला उसी पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान डाल लेना है। ये हो जाएगा हमारा 1 टक्स। यहाँ पर कोई भी टक्स नहीं रहेंगे, सिर्फ 1 टक्स डलेगा और हमारा पूरा ब्लाउज बन जाएगा। और 2 टक्स में क्या होता है, 1 टक्स ये पड़ता है और 1 टक्स ये पड़ता है, बस ये टक्स नहीं रहता और ये टक्स नहीं रहता है 2 टक्स में। और 3 टक्स में क्या रहता है, ये वाला टक्स केवल नहीं रहता है, बाकी ये तीनों टक्स रहते हैं। और 4 टक्स में तो चारों रहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर 1 टक्स, 2 टक्स, 3 टक्स, 4 टक्स सारे टक्स समझ में आ गए। सिलाई कैसे करनी होती है, सेम तरीके से जैसे हम 4 टक्स करते हैं वैसे ही सिलाई सारे की एक ही जैसे करनी होती है। अब जैसे हमने 1 टक्स की सिलाई करनी है, तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, केवल एक ही टक्स हमने डाला है तो एक ही टक्स पे सिलाई लगाएंगे, बाकी जैसे हम पूरा ब्लाउज 4 टक्स का बनाते हैं वैसे ही उसको भी बना लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही पूरा कट कर लेते हैं साइड साइड से। अभी आपको सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी, ये कैसे कट होगा, है ना। तो अभी हम बाहर वाली निशानों से कटिंग करेंगे, तो चलो हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर बाहर के निशानों से कटिंग कर ली है, ये हमने यहाँ पर बाहर वाले निशान से कट किया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को बाहर निकाल देंगे। अब हमने पीछे वाले पल्ले को निकाल दिया, अब हम आगे वाले पल्ले को फिर से फोल्ड कर लेंगे और इसे कट कर देंगे। तो अब हमारा ये आर्मोल सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पार्ट में कट होगा, पीछे वाले पल्ले में नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको निकाल दिया है। अब चलो हम इसे भी कट कर देते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर आर्महोल की कटिंग कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमने इधर टक्स डाला है, सेम ऐसे ही इधर भी डालना होता है। तो जब हम कपड़े में डालते हैं तो इनको चौक से डार्क कर देते हैं और दूसरी साइड ऐसे पलट देते हैं और ऐसे छाप देते हैं, दूसरी साइड भी निशान चला जाता है, फिर उसको हम डार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 टक्स, 1 टक्स और 3 टक्स का सारा काम। अभी हम इसको साइड में रखते हैं। अब हम पीछे वाला पल्ला ले लेते हैं। पीछे वाले पल्ले में क्या करना होता है, पीछे वाले पल्ले में अभी हमको यहाँ पर गला निकालना होता है। अगर गला आपको पीछे वाले पल्ले का बड़ा करना है तो अब आप यहाँ पर बड़ा कर सकते हो, जितना इंच आपको तैयार चाहिए उसमें से 1/2 इंच प्लस कर सकते हो। जैसे कि 8.5 इंच चाहिए तो 9 इंच कर लीजिएगा, 9 इंच चाहिए तो 9.5 इंच, उसी हिसाब से लंबाई करनी है, ऐसे लाइन खींचनी है, 1/2 इंच पर ऐसे गोलाई कर देना है और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। ये हमारा पीछे का गला हो जाएगा, ठीक है। और अभी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हम डॉट का निशान डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से 3.5 इंच अगर 30 से कम साइज का है और अगर 30 से 40 के बीच में है तो फिर आपको 4 इंच, और 40 से 50 के बीच में है तो 4.5 इंच ये दूरी लेनी है। और ये लंबाई आपको सभी साइज में 4 इंच लेनी है। अगर आपका ब्लाउज़ ज़्यादा लेंथ में है तो 4.5 इंच कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसे हम कट कर देते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर गला कट कर लिया है, अपना पीछे वाला गला। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला और ये हो गया हमारा आगे का पल्ला। तो हमने यहाँ पर सारी कटिंग सीख ली है। अब बहुत से लोग हमें कमेंट्स करते, मैंने एक वीडियो पेपर में कटिंग डाला था तो बोल रहे थे कि स्लीव्स कहाँ से निकालोगे और बाकी सारे फैब्रिक कहाँ से निकालोगे। तो जब हम कपड़े में कटिंग करते हैं ना, तो ये जो हमारा साइड से फैब्रिक निकला हुआ है ये, तो इससे हमारी स्लीव्स निकल आती है, ठीक है। थोड़ा हमारा कपड़ा बड़ा होता है तो यहाँ से हमारी स्लीव्स निकल आएगी, इस तरह से देख सकते हो। और जो हमारा गले से कपड़ा निकला है ये हमारी हुक पट्टी, आई पट्टी निकल आएगी। और जो स्लीव्स कट करने के बाद इधर साइड से कपड़ा बचेगा, यहाँ से हम अपने गले के लिए पाइपिंग निकाल लेते हैं। तो जब कपड़े में कटिंग करना सीखेंगे वहाँ पर आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको फ्रंट पार्ट बैक पार्ट का पैटर्न बताया हुआ है, 1 टक्स, 2 टक्स, 4 टक्स का। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने आज के इस वीडियो में सीख लिया 4 टक्स, 1 टक्स, 2 टक्स और 3 टक्स की कटिंग।
तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। आप मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा वीडियो, अगर एक बार में समझ नहीं आया है तो आप एक बार दोबारा से फिर से वीडियो को रिपीट कर सकते हो और फिर से देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आया है तो उसको भी आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो, जिसको मैं आपको कल के वीडियो में जब मैं आपको कपड़े पे कटिंग करना बताऊंगी फोर टक्स ब्लाउज की, तो वहां पर आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो फोर टक्स ब्लाउज की हम लोग कल की वीडियो में कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, मतलब कटिंग देखेंगे और फिर इसके बाद स्टिचिंग देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है, और आगे मतलब अभी जो भी नहीं आया है वो भी कमेंट्स कर दिया करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।